हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल। यह है शहर बनारस, शहर बनारस का मैं ताला सैयद। तो आइए, नमाज का समय था, नमाज पढ़ के जब आया, जला जला के मुझे खाक में मिला दोगे, खुदा जब पूछेगा इसका जवाब क्या दोगे, सीप से मोती बनी मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़ के मुहम्मद का पसीना निकला, और तूने मेरी मजार पे, और तूने मेरी मजार पे आकर के मुस्कुरा दिया, तूने मेरी मजार पे। गिर पड़ी बिजली च
ना पता किस लिए। आल्हा और उदल की याद आ रही, बिना देखे दिल को चैन नहीं पड़ रहा है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और ठीक हो? उदल जी। चाचा जी आज तुम्हारी याद ही आ रही थी, तुम्हारी बात भी हो रही थी। कितने दिन हो गए और आल्हा उदल से मुलाकात नहीं हुई। चाचा जी बोलो उदयराज क्या बात है? जानते हो जब कोई सलाह लेना होता है तभी आपके पास एकाएक आना होता है। कौन सी बात पड़ गई क्या चाचा जी? आप ये जानते हैं कि हम आपको अपना आदर्श मानते हैं, जो भी काम करते हैं आपकी सलाह से करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। इसलिए चाचा जी आज मैं आपसे सलाह लेने आया हूँ। कैसी सलाह है उदयराज बोलिए। तो बूंदी गढ़ चलन को लस कर ले वो सजाए, वाडा तिलका से किया ये चचा तलन सीराए। ए चचा तलन सीराए, वादा तिलका से किया लाऊं कुसुमावती को विदा करा कर। अरे आल्हा भैया से ना कहा अकेला आया चला यहां पर। चचा चलो साथ में दिखाने खंजर के जौहर, और बिन कराए विदा कुसुमा को ना आऊं रिज गिर अंदर। चचा ना देर लगाओ लश्कर अभी सजाओ, मानो बचन उदल के और चलो विदा कुसुमावती को करा के लाऊं बूंदी गढ़। हाँ चाचा जी आप सीधा हमारे पास आए और किसी से आपने सलाह नहीं लिया। जी नहीं चाचा जी, बूंदी गढ़ चाचा की तैयारी। मैं माँ तिलका से वादा किया। लेकिन बेटा उदयराज क्या बात है चाचा जी, गढ़ कोई मामूली शहर नहीं है। सुनो हमारी बात। अरे बूंदी गढ़ मारो नहीं बेंदुल के यशवार। कह रहे हो चाचा जी? वही कह रहा हूँ। मारो गढ़ बूंदी, बूंदी गढ़ मारो नहीं है। बूंदी गढ़ मारो नहीं अरे बेंदुल के यसवार, और घर घर में बेटा वहां है जादू की मार। अगर हो चाचा जी सही कह रहा हूं। जादू की मार काठ के और फौज काठ के घोड़े, है जादू की मार काठ के और काठ के घोड़े, और लड़े भूत बैताल कवन रन उनसे जाकर जोड़े।
चैन उनसे जाके जोड़े। अष्टधात का किला बना किसकी ताकत जो तोड़े। अष्टधात का किला बना किसकी ताकत जो तोड़े। और बूंदीगढ़ निरपाल समर से अरे जाए न कोई जीते। क्या कर हो चाचा जी। बस वहां की तैयारी करो ना जी और मानो मेरा कहना जी। किसने मारी है मती और सच बतलावो है उदाल। तुम आज बहुत घबराए। चाचा जी मेरी मत किसी ने नहीं मारी है। चाचा जी उदयराज मैं तो सोचा था कि चाचा जी ये सलाह मुझे देंगे कि ये सत्य है उदल कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन चाचा जी आप तो बूंदीगढ़ की तारीफ ही तारीफ करते जा रहे हैं। उदयराज कितने बड़े वीर हैं वहां पर। अगर वो वीर हैं तो हम कायर नहीं हैं। तो देख लू रण भूम में है कितने बलवान और साज सकल दल। तुम चलो और बूंदीगढ़ दर में जी हो। आप कह रहे हैं कि वहां पर जितने वीर हैं उनसे पेश नहीं पाओगे। सत्य बात है उदयराज। चाचा जी और खंजर के जौहर दिखा दूं गासमर मैदान में। खंजर के जौहर दिखा दूंगा समर मैदान में। और काट लाखों सर गिरा दूं गा समर मैदान में। तो चाचा जी साथ में लश्कर को सजा और कर जूंगा मैं सिंह बनकर शेरे बबर मैदान में। कर जूंगा होगा जिस तरह से लाऊ गा कुसुमा को विदा करा और देख लेना फिर हुनर मेरा समर मैदान में। देख लेना तो देखते ही एक हलचल सी मचे और लाश पर लाशें बिछा दूं गा समर मैदान में। उदयराज मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था। बात बूंदीगढ़ की है। अगर आप तैयार हो तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं और अपनी सारी फौज साथ लेकर के बूंदीगढ़ पे चढ़ाई करना। यह मुहारा का हो। अरे किसका मुहार पूछ रहे हो। अरे चचा रूपन। चचा जी देखा आवाज आ रही। रूपन को मैंने रोका था फिर भी ये यहाँ चला आया। चलो कोई बात नहीं है। अपने यहाँ जो आया मेहमान बन के आता है तो रूपन अपना है ही है। चचा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ठीक हो। सुना जानो ने उता खाया है भैया का। अरे रूपन भाई यहाँ मैं
देवता खाने के लिए नहीं आया हूँ। अरे चोरा के भाग गए जवान, बता नहीं तुम्हारे घोड़े घोड़ा का टाप पकड़े पकड़े आई न। अच्छा वहाँ टाप देखा पहले गई घोड़सारी में, यहाँ देखा घोड़ा नहीं तो हम कहाँ आए, तो वही घोड़ा का टाप देखत देखत हम आए न। अच्छा आवाज सुनते सुनते वही घोड़ा का टाप पकड़े पकड़े। अरे टाप नहीं, टाप की आवाज पकड़ के आए हो। हाँ वही पकड़ के आए न, घोड़े की टाप की आवाज सुन करके यहाँ तक पहुँचाए। हाँ चाचा, चाचा कुछ बनाना है? सब कुछ मिलेगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं दूर से भूखे। रोपन भाई यहाँ हम खाने के लिए नहीं आए हैं बल्कि चाचा से सलाह लेने के लिए आए थे। रोपन भाई। हाँ भैया। हम नेवता खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो रोपन भाई आपने परम मित्र लाखन का गौना करवाने के लिए बूंदी गढ़ जा रहे हैं, इसीलिए चाचा के पास आया था। हम भी चलेंगे। आप भी चलोगे? गौना लेने मैं भी चलूंगा। तो बड़ी अच्छी बात है, आप भी चलो मैं भी चलूंगा और पूरी हमारे साथ में फौज चलेगी। ठीक है आओ चाचा जी, देर मत कीजिए, चलिए चलिए। और नबी अपना जलवा देखई हो कि नहीं, नबी अपना जलवा देखई हो कि नहीं, नबी अपना जलवा देखई हो कि नहीं, मदीने तू हमका बोलई हो कि नहीं, मदीने तू हमका बोलई हो कि राज। चाचा जी चलते चलते तो मैंने सरहद पे आ गया बूंदी गढ़ के। कहाँ से राज खिया आए जो? तुम्हारा दिमाग खराब है, सरहद सरहद। हम जाने कहाँ से राज खिया आए गए। चाचा जी कहो उदयराज, अब यहीं पर हम लोग रुकते हैं और बूंदी गढ़ के महाराज काम शाह के पास एक खत लिखकर भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम लाखन का गौना लेने के लिए आ गए हैं और सरहद पर हम लोग टिके हुए हैं और जो हमारे घोड़े हैं उनको घास भूसा इसी सरहद पर पहुंचाया जाए। बहुत अच्छी बात है। जाओ एक कागज कलम लेकर आओ। उदयराज। जी चाचा जी। हम अपना डेरा यहीं पे डालते हैं और यहीं से एक पत्र लिख करके काम शाह के पास भिजवा दो। और तिलका ने भेजा मुझे कनवज के बलधाम, और दुनिया में मशहूर है वो दल मेरा नाम, और घास भूसा सरहद पठाओ पढ़ मेरे परवाने को, आया हूँ मैं यहाँ कुसुमा को विदा कराने को, जो न दो गौना तो ये सी आग जले गिरा जंग छिड़ेगी और मेरी तलवार चलेगी ये राज। दस्खत उदय चंद। हमारा पानी पत्ता लिख दियो। अरे ले जाओ नेक, तुम वही मांग लेना, वही तुमको मिल जाएगा। पानी पत्ता नहीं लिखे? चलो कोनो बात नहीं, पानी पत्ता मांगे तो ले। उदयराज। जी चाचा जी। चलो अपने डेरे आगे भैया, परवाना वहां तक पहुंच जाएगा महाराज काम शाह के दरबार। रोपन के आने का इंतजार करेंगे हम। भैया पहला नंबर हम ऐसे जाएंगे नहीं, फिर आप अपनी कृपान हमें दे। क्या कृपान चाहिए और का? अरे हुआ को ज्यादा उल्टा सीधा बोले तो हुई है दुई दो, और बहुत जल्द वापस आना। ठीक ठीक। अरे रब की मर्जी से तो दुनिया में हर इंसान बना, रब की मर्जी
मर्जी से तो दुनिया में हर इंसान बना, रब की मर्जी से तो दुनिया में हर इंसान बना। सिर बना काबा बनायो साहिद ईमान बना। सिर बना काबा बनायो साहिद ईमान बना। महाराज की जय हो। दरबारी कहिए महाराज। ये बताओ राज दरबार का क्या समाचार है? महाराज आपके राज में घर घर है आवागानी और सिंह बकरी पीते हैं एक घाट पर पानी। दौलई ऐसा ही होना चाहिए। हाँ राजन। देखिए कौन आवाज लगा रहा है। अब बजा रहे हैं देखे। कोई है? क्वा भैया? क्वान नान काते कान। अरे भैया हम समझित कि तुम मने ही आओ। कहाँ से आए हो? का नाम है? अरे भैया हम तखत लेके आए हैं। तखत? जी। तो इसी बंगला में डार दियो जा बढ़ के। अरे चूतिया हो कहा तुम? नहीं हम पागल हन। हम सरहद पर से आए हैं। अंदर आओ पहले हम हमारे लगे आओ ही बाहर गेट की वह किया आओ घूम के। जय राम। कहाँ आयो भैया? तखत लाए हैं। अरे तखत लाए हो? तखत लाए हो तो बंगला में ले जाओ डाल दो। तो खुद डाल लो। लाओ देखी तखत तो है। अरे चूतिया हो क्या यार तुम? अरे तुम ये कहो कि खत लाए हैं। हाँ यार वही। बता पढ़े लिखे नहीं हो क्या? जी नहीं। इसीलिए तो करिया अक्षर भैंस बराबर। महाराज का ये खत आया है। पानी पत्ता पूछो यार। कौन हमारे रिश्तेदार आगा तुमसे पानी पत्ता पूछी तो का उठाएगी रहे? पानी पिए को तू टोटी में ला के जाओ पी लियो जाए। वैसे नहीं वही कोई हम पी लियो जाए। को मेहमान आओ तुम्हारे क्या तो इतना पानी पियाओ तो पहले परचे तो हुए दियो। आयो का भूखे ना का है तुम? आज तीन रोज है का नहीं खावा। अरे तीन दिन हो गई। रुको महाराज से आदेश ले ली भाई। राजन खाओ। ये जो आया है नौकर, ये जो नौकर आया है बहुत भूखा है तो कह रहा है तीन दिन का भूखा हूँ खाना चाहिए। तो आपका क्या आदेश है राजन? मेरा आदेश है इसे खाना खिला दिया जाए। चलो भोजनालय के अंदर तुम घुसो। यही लाइए यही लाइए यही दरबार में खाएंगे। अच्छा लाता हूँ बैठिए। अरे कुछ बैठो खाओ। मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन रुकिए रुकिए जो जितना इसमें लिखा है मंजूर हुआ? अब राजन को दिया है राजन पढ़ेंगे उसके बाद में जो आदेश होगा वो हम करेंगे। मंजूर है महाराज। दरबारी जी जिस चीज का मुझे बेसर्वी से इंतजार था ये वही पत्र है। यानी उदयराज गौना लेने के लिए आए हैं। सुनो भाई रिश्तेदार की नहीं हा? तुमका यार कबो हम एकदम ही देखा रहा है यार। हाँ अभी आहे माइन रहा तब देखे हो यो। कोई रूपन तो ना हो? हाँ। अरे जय राम जय राम जय राम जय राम। नहीं भी बताऊ तू यार वो जवान रूपन भाई
और का हाल चाल है? सब बढ़िया है, है? अपन सुनाओ। हमारा सब बढ़िया ही है भाई, लगे हन। अच्छा, हाँ। ड्यूटी दे रहे हो? ही हन महाराज की हम पेटन पे हन। हाँ? पेटे पे। अच्छा, हाँ। अब हम हूँ आन पेटन पर रह भाई। कोई के? तुम्हारे? हमारे यहाँ पेटे पर रही हो? और का? तुम हमारे पेटे पर रही हो? अरे ना पेटे पर रखो, यूं ना हो पाई, ना पेटे पर रखो पीठी पर रखो, यूं ना हो पाई यार रूपन भाई। हाँ? यूं ना हो पाई, ना हो पाए। हाँ। तो यार हमार तुम्हार गठे न जानो। रुक जाओ, पहले हम महाराज से पूछ ले, थोड़ी थोड़ी बात कीन जाए। अब आयो है, मेहमान है, खा खो तो पहले खाना खाओ। अरे इतना भूखे नहीं ना हम लोग, राशन पानी बांध के चलते हैं। रूपन भैया रैतुआ खाइयो, रैतुआ का कोनो रैतुआ को के सौरी परी का सौरी रैतुआ मिलत है। और का? अरे लेउकी वाला रैतुआ, लेउकी वाला रैतुआ। हाँ। अच्छा अच्छा, दिहाती रैतुआ। अरे ठंडी हो रही, जुकाम हो जाए यार, तो का खाइयो? हाँ? हमका जमान खवाए खुआ तो लंडू अंडू मंगाऊ। ए छदा का खाइयो बरा। हाँ। वहाँ तो सर्दी सर्दी हन चीज आए, तो का खाइयो? कोनो गरम चीज मंगाओ। गरम चीज कहो यार। अच्छा कोनो बाल नहीं ना। हाँ। महाराज का हमारी शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है। नेगेम हम का ले? क्या चाहिए तुम्हें? नेगेम हम का चाहिए? का चाहिए? ढाई चाहिए बताओ। ढाई घंटा जंग हमसे? और का? रूपन भाई लड़ो ना बिना मतलब में फायदे में रही हो। काहे नहीं भागे रतन पे हो यू बूंदी गढ़ा है? अरे तुम पहले जंग करो, हम अहो कहो कि नहीं बर पातर तो रुके रहा हम जाए भूसैले तलवार ले आई। जाओ फिर जाओ, लेके आओ जल्दी। रुक जा महाराज से आदेश ले लियो। ले लियो महाराज। कहिए क्या बात है? रूपन भाई ढाई घंटा का नेग मांगते है तलवार का, क्या आदेश है मेरे लिए? मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें, जाओ और इसकी इच्छा पूरी करिए। तो हम जा रहे हैं भुसैले तलवार ला रहे हैं, जाइए। इतनी बड़ी तलवार से लड़ोगे? इतनी बड़ी तलवार से लड़ोगे? मैंने क्या कहा था, फायदे में रहोगे नहीं लड़ोगे? रूपन भाई तैयार हो जाओ फिर। मेरे गुस्से को देखो, मैं कितना बड़ा खतरनाक आदमी हूँ। मैं तुम्हारे गुस्से को नहीं देख रहा हूँ। अब तुम्हारी मौत भी आने वाली है। मेरी मौत? हाँ, हाँ, देखता हूँ। हाँ, किसकी मौत भी आती है। हैं? देखता हूँ। तो रुक जाओ फिर। हैं? मैं धार लगाऊंगा। लगाओ तलवार में। लगाओ। आए मेरी तलवार, तुझ में कितनी पैनी धार। आए मेरी तलवार, तुझसे मैंने इंदिरा नहर खोदा है। ना जाने कितने बड़े बड़े कदुआ काटे हैं, कोहड़ा काटे हैं, लेकिन आज रूपन भाई की मुंडी काटना है। मुन्नी, मुन्नी ना काटो, मुन्नी ना काटो। अबे मुन्नी नहीं, मुंडी, मुंडी। समझा, मुन्नी काटो। मुंडी, मैं आज रूपन भाई के साथ लड़ने जा रहा हूं। आए मेरे दाहिने हाथ, तुमने हमें सुबह शाम चाय नाश्ता खाना पीना बड़े प्यार से खिलाया है। इस समय पका लौड़ा मिलता है ना। आए मेरे बाएं हाथ, तुमने प्यार से लेटरिंग घर में गंगा कैसेट के माध्यम में, मैं आया था कमरे में बैठा था, मेरे को संडास लगा, प्यार से पानी सौचाया है। आज इज्जत का सवाल है। चलो चलो, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लड़ूंगा। महाराज लड़ जाई? क्या कहा? लड़ जाई?
मेहरवा दूध अगर ये नेग मांगता है नेग में मुझे एक घंटा तलवारबाजी चाहिए ढाई घंटा चलो ढाई घंटा एक घंटा चलो ढाई घंटे ढाई घंटे मेहरवा दूध बक्सा का है हा? चलो हा? चलो चलो रूपन भाई है? ये मार ना मारो यार ये मार मरियो यार परिवार नियोजन के सदस्य हो जाओ अब बहन तो आगे से मार रहा है अब थोड़ी देर बाद पीछे से मार नहीं ये मार ना मारो यार मित्र है? तुम यार बिरादरी हो के इबित के मार मरियो यार हम परिवार नियोजन के सदस्य हो जाब तो हमार परिवार ना बाढ़े लड़ोगे नहीं फिर यार और ही दही लड़ लीन जाई अब बहन आधा घंटा नहीं पूरा 2 घंटा बाकी है नहीं चलो और दही लड़ लीन जाई यार चलो कोई बात नहीं है? लड़ लियो नहीं अरे लड़ लियो चलो खाना खा लियो यार खाना ना खावे नहीं भूखे और रिश्तेदार आए यार लड़ लियो हम तुमका मैं आई थे अरे नहीं लड़ लियो थोड़ा नहीं यार रह दियो चलो आजकल अरे आओ फिर आओ अरे रह दियो अरे आओ हम यार कमजोर मन ही हैं हमसे सबसे कहां जितबे करियो नहीं भाई हम नहीं जीत सके देखो हम सच्चे दिल के आदमी हैं हम जीत नहीं सके नहीं सच्चे दिल वाले बात नहीं हम लौंडे वाले हैं हां तुम लौंडिया वाले चलियोगा चलो तो कहा 40 दे थे 40 चलो ले लियो कहा चलियो चलियो तो पहले आओ सरहद पर मिलो चलो आ रहे तुम हो चला दे तुम चलो हम आ रहे चलो तुम्हारे साथ जाओ हो चलाई चलो चलो हम आ रहे चलो रसद सरहद पे पहुंचना चाहिए ठीक है लेके आओ जय राम जय राम महाराज की जय पल जी राजन जाओ जगन्नाथ हमारे बेटे सूरज को रात दर में भी पेश किया जाए बहुत अच्छी बात राजकुमार सूरज भैया फौरन रात दरबार आइए कहिए पिताजी किस लिए हमें याद किया है राजकुमार सूरज जी पिताजी मैं अवश्य बताऊंगा मैं किस लिए तुम्हें रात दरबार में बुलाया है बोलो पिताजी सुनिए हमारी बात सूरज जी पिताजी सुनिए अर लेने लाखल का गौना उदय चन यहां लेने लाखन का गौना मतलब लाखन का गौना किया लेने लाखन का गौना उदय चल यहां उदय चल यहां अकेले जाओ नजराना ये सूरज वहां है बड़ी भारी खुशी सारा नगर सजवा दो खाना दाना पास उनके तुम अभी पहुंचा दो हर हुक्म से मेरे बेटे करो ना उजर हुक्म से मेरे बेटे पिताजी कहो राजकुमार सूरज तुम्हारा कहने का मतलब हमारी बहन का गौना लेने उदयराज आया है जी हाँ और हमें ये चाहिए कि उनकी सेवा में खाना दाना उनके घोड़ों को लिए चारा
ये सब भेजवाना है। जी हाँ, अभी जाता हूँ। ठीक है। आप दरबार में रहे। जी। दरबारी जी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। बहुत अच्छी बात।